नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के भाई बच्चा पांडे ने आज आरजेडी का दामन थाम लिया। हमारे साथ बात करने के लिए बच्चा पांडे जी, आखिर क्यों आपने आरजेडी का दामन थामा जबकि आपके भाई तो बीजेपी में हैं? देखिए, उनके पहले हम लोजपा में थे, हम बीजेपी में वो थे, हम तो लोजपा में थे और लोजपा से चुनाव बढ़रिया क्षेत्र में हम 2015 में लड़े थे और हम बीजेपी में नहीं थे, हम लोजपा में थे। तो हमें उनमें कोई वो नहीं है और हम बीजेपी में रहते तब हमसे ये सवाल पूछा जाता कि आपका भाई एमएलसी बीजेपी में है, आप आरजेडी में क्यों गए। लेकिन अपना सबका अपना अपना सोच होता है, अपना अपना राजनीतिक होता है। हमको इस पार्टी का जो है राजनीतिक जो है या गरीब जनता के प्रति जो सद्भावना है हमारे शीर्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, हम उससे सहमत हैं और इसके साथ मिल के हम अपने क्षेत्रों में जनता जनार्दन के प्रति आवाज़ उठाएँगे। जो भी हमारे पार्टी द्वारा निर्देश होगा उसको हम निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। क्या आपने इस शर्त के साथ आरजेडी के दामन थामा है कि आपका टिकट कंफर्म हो गया है बिहार विधानसभा का आरजेडी में? देखिए, ये तो हमारे शीघ्र नेता करेंगे, वो तो अभी जल्दीबाजी करना उचित नहीं है। पार्टी द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उसको, उस कर्तव्य को हम पालन करेंगे और ईमानदारी पूर्वक उनको उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। क्या आप चुनाव की तैयारियाँ भी कर रही हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, अभी तो माहौल चल रहा है, हम पार्टी जो हमको कार्य करेगी देगी हम उसको क्षेत्र में जाएंगे, अपना आवाज़ उठाएंगे। ये बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में क्या कुछ हुआ है अंदर और तेजस्वी यादव ने बैठक में क्या कुछ कहा है? देखिए, बैठक के बाद हम पहुँचे हैं, हमारा आज सदस्यता ग्रहण करने का वो था, डेट तो हमारा 10 तारीख का था, लेकिन लॉकडाउन कोरोना महामारी के चलते हमने आज जो है आनन फानन में जो है हम लोग सदस्यता ग्रहण किया और इसके साथ हमको बड़े नेता का आशीर्वाद जैसे मिलेगा हम जनता के प्रति जाएंगे। आप बता रहे हैं कि आप लोजपा में थे और लोजपा से आपने चुनाव भी लड़ा था, क्या वजह रही लोजपा छोड़ने की? देखिए, वजह क्या होती है, उस समय का जो स्थिति था उसके साथ हम लोग कंप्रोमाइज़ किए। अभी जो बिहार का स्थिति है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोड नहीं है, बीमारी से लोग परेशान है, कोई सुविधा उस तरह का उपचार का नहीं है। इसलिए हम लोग सोचा कि हमारे जो नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, ये जो अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति और शिक्षा के प्रति, मैं उनकी यह निर्णय से खुश हूँ, इसलिए हम इस पार्टी में जो है आज शपथ ग्रहण किया। लेकिन इस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, क्या आपका टिकट कन्फर्म हो गया है? देखिए, तुम बता दी, हमारे सिख नेता इस पर डिसीजन करेंगे। अभी तो बिना कंफर्मेशन, अभी तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता या सिपाही के रूप में शपथ ग्रहण किया हूँ। लेकिन चुनाव से पहले नेता अगर इधर से उधर जाते हैं तो वो अपना टिकट कंफर्म करवा के ही जाते हैं, ये भी एक रवायत रही है बिहार की पॉलिटिक्स की। देखिए, जब आता है तो लोग इधर से उधर जाता है, इसका माने ये नहीं लगाया जाता कि टिकट के चलते ही इधर उधर लोग जाता है। ये बच्चा पांडे हैं जिन्होंने आज आरजेडी का दामन थामा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, वो गरीबों के हितैषी हैं और वो उनकी जब सरकार बनेगी उनसे ये मोटिवेट होकर ही इन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।